हाल में खत्म हुए T20 विश्व कप तक भारतीय क्रिकेट टीम के पास तीनों फॉर्मेट्स के एक ही कप्तान थे, विराट कोहली। लेकिन अब विराट कोहली से दो फॉर्मेट्स की कप्तानी ले ली गई है। विराट अब सिर्फ टेस्ट टीम के कप्तान बचे हैं, लेकिन जिस तरह से विराट कोहली को कप्तानी पद से हटाया गया वो तरीका विवादों के घेरे में है। विराट को साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट टीम के ऐलान से लगभग 1.5 घंटा पहले इस बारे में सूचना दी गई कि वो अब वनडे टीम के कप्तान नहीं रहे हैं। इस घटना पर सौरव गांगुली और विराट कोहली के दो अलग अलग बयान भी आए हैं। बोर्ड प्रेसिडेंट गांगुली ने कहा था कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कोहली से बात की थी जब वे T20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान अपना पद छोड़ने का फैसला कर रहे थे। हालांकि विराट ने कहा कि बोर्ड के किसी भी अधिकारी से उनकी ऐसी बातचीत नहीं हुई। अब इन दोनों ही बातों पर जमकर चर्चा हो रही है। ऐसे में टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी कीर्ति आजाद का बयान सामने आया है। कीर्ति आजाद का कहना है कि इस पूरे मामले में चयनकर्ताओं को सौरव गांगुली के पास जाने के बाद उनका अप्रूवल लेकर ही इस मामले में अंतिम फैसला लेना चाहिए था। आजाद ने न्यूज 18 से बात की है। उन्होंने कहा, सदियों से चली आ रही परंपरा को बोर्ड के अध्यक्ष से मंजूरी की मुहर मिलना जरूरी और फायदेमंद है। अगर यह चयनकर्ताओं द्वारा तय किया जाना था तो उन्हें अध्यक्ष के पास जाना चाहिए था। आमतौर पर क्या होता है कि जब एक टीम का चयन किया जाता है तब हम टीम चयन के बाद अध्यक्ष के पास जाएंगे, वे देखेंगे कि सब ठीक है, इस पर हस्ताक्षर करते हैं और फिर इसकी घोषणा की जाती है। आजाद ने अपने चयनकर्ता वाले दिनों का जिक्र करते हुए कहा, जब मैं भी एक चयनकर्ता था तब भी ऐसा ही होता था। मेरे बयान का मतलब चयनकर्ताओं का अपमान करना नहीं है, लेकिन कोहली का क्रिकेट खेलने का अनुभव उनसे कहीं अधिक है। उन्होंने आगे कहा, अगर आप किसी भी प्रारूप के लिए कप्तान बदल रहे हैं तो आप अध्यक्ष को लिखें और सूचित करें। विराट परेशान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्हें सूचित किया गया है उससे वह आहत हैं। आप समझ सकते हैं, मैं यह नहीं कहना चाहता कि सभी चयनकर्ता वास्तव में महान लोग हैं, लेकिन यदि आप उनके कुल मैचों की संख्या देखें तो जो विराट ने खेला है उसका आधा भी नहीं होगा। विराट कोहली मौजूदा समय में भारतीय टेस्ट टीम के साथ साउथ अफ्रीका में है, जहाँ पर टीम इंडिया तीनों मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी विपिन ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी? खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?